नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों को से मैं को नमस्कार करता हूँ और आप सभी दोस्तों से मैं क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद आज मैं इस वीडियो को लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। इसका मेन रीजन था कि मैं लास्ट 1.5 मंथ से अपने स्टेशन से बाहर था, हैदराबाद में था, जिसके चलते वहां पर कुछ वर्क था, जिसके चलते मैं गया था, कुछ जॉब था, तो कुछ कंसल्टेंसी का जॉब था, उसके लिए मैं गया था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। अभी मैं आया हूं तो एक वीडियो मैं आज छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि फिर 16 अगस्त को मैं कैनेडा चला जाऊंगा और जाऊंगा वहां, तो देखोगे वहां तो वीडियो बनाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई डोंट नो, बट एज एन व्हेन आई विल गॉट द अपॉर्चुनिटी आई मस्ट बी प्रिपेयर ए वीडियो फॉर योर सेल्फ, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन वहां हमें 3 महीना 4 महीने रहने का प्रोग्राम है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये हमारी इसके पहले जो वीडियो मैंने परवानी प्रोजेक्ट LPP पुणे के लिए बर्न कट ड्रिलिंग पैटर्न का वेज कट, उसी सेम सेक्शन के लिए वेज कट ड्रिलिंग पैटर्न का मैं डिजाइन किया हूं, जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वीडियो को देखिए, देख के समझिए और अपने विचार हमारे सामने अपने कमेंट प्रस्तुत कीजिए, ताकि हमें भी सोचने का मौका मिले कहां हम गलत हैं कहां सही है। तो आइए आपको मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो। टनल का सेक्शन वही है, 6.25 वाइड और 5.50 हाई है। इसमें जो हम लोगों ने बर्डन और स्पेसिंग कैलकुलेट किया था वो कितना था, 650 mm, इट मीन्स 0.65 मीटर। तो ये पहले तो हम सबसे पहले ड्रिलिंग पैटर्न, इसमें जो होता है ऐसे ड्रिलिंग नहीं होता है, इसमें लाइन में ऐसे ड्रिलिंग होता है, ऐसे ऐसे लाइन में लाइन बनाकर के फिर उस पर से ऐसे हर लाइन में ऐसे ऐसे और एंगुलर ड्रिलिंग होता है। तो इसके लिए इसमें कट एरिया कैसे आप डिसाइड करेंगे, ये मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहले इस बेस का ड्रिलिंग पैटर्न बनाने के पहले सबसे पहले ये देखिए कि 6.5 जो हमारे पास हाइट है, इस हाइट में हमें कितने लाइन मिलते हैं। 6.5 का ये हम 6.5 लिए, देखिए 0.65 और लास्ट में 0.95, क्योंकि यहाँ पर सीधा और इसके बाद हमें लेते हैं कि यहाँ पर लाइन नहीं मिलता है, इसलिए ये 0.95 का स्पेस यहाँ मिलता है। कितने हमें बटन कितना मिलता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। एक्सप्रेशन कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें से सेंटर वाला पोर्शन जो है इसको हम स्पेसिंग में काउंट करके इसको जो है हम वेज कट के लिए वेज का कट एरिया में छोड़ देते हैं। तो कट एरिया कितना होगा आपका, 0.65 और अप टू हियर ये लास्ट लाइन तक। तो इसमें ये जो रेड कलर में देख रहे हैं ये कट एरिया है। अब आप इसमें ड्रिलिंग कैसे करेंगे, पहला जो ड्रिलिंग होगा वो ऐसे होगा और ऐसे होगा, यानी आइए फर्स्ट वेज कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए फर्स्ट वेज बनेगा आपको ऐसे हो गया 6.5 और 0.65। तो उसमें 0.65 का रिडक्शन ड्रिल करेंगे पहला वेज, फर्स्ट वेज। तो ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा फर्स्ट वेज, यहाँ 60 डिग्री का एंगल होगा, S60 S60। जब हम ब्लास्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारा ये वेज कट करके निकलेगा, उसके बाद सेकंड वेज, सेकंड वेज के लिए जो हमारा बनेगा यहाँ होगा और यहाँ होगा, यानी इस लाइन में और इस लाइन में। तो यहाँ इस लाइन पर यहाँ से हम अगर ड्रिलिंग करते हैं तो ये हमारा 0.65 प्लस 0.65 प्लस 0.65 कितना हो गया,
1.90 का यहां से ये सेकंड में हम डील करेंगे और इधर से हम इधर से डील करेंगे। उसमें भी एंगल क्या होगा, ये होगा यानी ए एंगल होगा 60 डिग्री का, ये होगा 60 डिग्री का और उधर भी जाके 60 डिग्री पर मिलेगा, यानी ये होगा 1.90 मीटर और ये 1.90 मीटर मिल रहा है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। देखिए आपको दिखाया गया है सेक्शन ए ए, ये सेक्शन वे ए में हम यहाँ का सेक्शन देख रहे हैं, पहला वेज बना रहे हैं तो ये पहला वेज कितना बन रहा है 0.65 बन रहा है, ऐसे बन रहा है तो ये पहला वेज होगा। इसके बाद दूसरा वेज यहीं पर होगा, दूसरा वेज ऐसे होगा और कितना होगा 1.90 तो यहाँ पर एंगल कितना होगा 60 60 60। इसके बाद आप ये देखिए तीसरा वेज थर्ड वेज हमको 3 मीटर का कम से कम ड्रिलिंग करना है तो 3 मीटर का ड्रिलिंग नहीं मिलेगा, मुझे 3.20 का मिलेगा। यहाँ पर हमने 0.65 यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है 3.20। तो 3.20 का ये हमें मिल रहा है, जब क्योंकि इसमें ही ड्रिल करिए, हमारा ड्रिल नहीं होगा, ये तो हमारा वेज बच गया, वेज कट एरिया हो गया है। तो यहाँ से 3.20 और यहाँ से 3.20 का जो हम ड्रिलिंग करेंगे तो ये देखिए थर्ड वेज बनेगा। थर्ड वेज कैसा होगा, 3.20 + 3.20 + 3.20 यानी तीसरा वेज यहाँ से होगा 3.20, यहाँ से होगा 3.20 और ये तो 3.20 आ ही रहा है। यानी हमको वेज बनाने के पहले ये हमको कैलकुलेट कर रहा है कितना हमारा आ रहा है, जितना हमारा आएगा 0.65 + 0.65 + 0.65 + 0.65 + 0.65 तो हमारा कितना आ रहा है, जितना आएगा उतना हमें यहाँ पर पैरेलल इस लाइन के ये जो इस लाइन के पैरेलल जो लाइन होगा वही हमको जितना आएगा उतना ही हम डील करेंगे और उतना ही इधर से डील करेंगे, तब जाके इक्विलेटरल एंगल बनेगा और ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये थर्ड वेज होगा। अब रह गया कि थर्ड वेज तो हमें फर्स्ट ब्लास्ट लेंगे तो हमारा पहला वेज निकलेगा, सेकेंड ब्लास्ट लेंगे तो दूसरा वेज निकलेगा, थर्ड ब्लास्ट लेंगे तो तीसरा वेज निकलेगा, ये 3 वेज बनेगा। उसके बाद जो ड्रिलिंग होगा इसका पैरेलल में 3.20 यानी इसी के पैरेलल में ही इसके पैरेलल में चलेगा, इसके और इसके पैरेलल में चलेगा, ये यहाँ तक आएगा। ये फर्स्ट प्लेन हुआ। अब सेकेंड प्लेन में यानी बटन में फर्स्ट बटन इसका ये फर्स्ट ये बटन हुआ, इसका ये बटन हुआ। यहाँ पर हम वेज कट नहीं बनाएंगे, यहाँ पर वेज कट नहीं बनेगा, यहाँ पर पैरेलल ड्रिलिंग होगा क्योंकि ये बॉटम है और बॉटम में वेज कट बन नहीं सकता, बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है, इसलिए यहाँ पर वेज कट होना है कि इसको पैरेलल ड्रिलिंग करेंगे। तो जब हम पहले ब्लास्ट करेंगे ये उठेगा, उसके बाद से ये वेज बने निकलेगा, उसके बाद से ये वेज निकलेगा, उसके बाद जब ये वेज होगा, जब इस वेज का ब्लास्ट होगा तो इसका फर्स्ट वेज ब्लास्ट होगा, जब इसका तीसरा वेज ब्लास्ट होगा तो इसका सेकंड वेज ब्लास्ट होगा। इस तरह से ये इसी सीक्वेंस में इसका आपको वेज कट का ड्रिलिंग करना है और उसके बाद आपको ब्लास्ट देना है, यानी वेज बनाना है, 3 वेज बनाएंगे तब जाकर के 3.2 मीटर का ड्रिलिंग होगा तो हमें 2.8 मीटर का हमें मिलेगा प्रोग्रेस यानी अचीवमेंट मिलेगा। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसको जब हम ड्रिलिंग करते हैं यहाँ पर जो है ये यहाँ तक वेज बनेगा, ये तो है पैरेलल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक वेज रहेगा, ये वेज की लाइन बनाई जाती है, जब से
हर लाइन में ऐसे ही आपको ऐसे 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 तीन तीन वेज बना करके पैरेलल ड्रिलिंग करना है। पैरेलल ड्रिलिंग करके उसमें जो फिर एक्सप्लोसिव देना है, एक्सप्लोसिव देकर फिर इसको जो है ब्लास्ट करके निकालना है। तो ये रहा वेज का ड्रिलिंग पैटर्न का डिजाइन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो समझ गए होंगे। अगर इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें पुल तो मिलता है, कम नहीं मिलता है, पुल उतना ही मिलता, इतना बनकट में मिलता है, बनकट में थोड़ा पुल कम ज्यादा मिलता है, इसमें पुल बनकट से थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन इसमें वाइब्रेशन जो होता है वो कम होता है। और इसमें वाइब्रेशन जो है इसमें जो फ्रेगमेंट जो मिलता है, पत्थरों का जो साइज मिलता है वाटर ब्लास्ट, वो छोटे छोटे हो जाते हैं। तो ये उस तरह के रॉक में जहां पर कि बहुत ही हार्ड रॉक है, यानी बसाल्ट वगैरह है, वहां पर जहां पर कि बनकट से प्रोग्रेस नहीं मिल रहा, तब वहां इसको हम यूज करते हैं। दोस्तों ये रहा वेज का ड्रिलिंग पैटर्न का आपका एक ब्रीफ समरी हमने दिया। और ये जो है ये यहाँ पर एक हर प्लेन में एक एक होल हमने करने को अब बोला था रॉक मास को वीक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो वेज का फ्रंट पोर्शन है ये कितना है 0.65 में डिस्टेंस काफी कम है, तो उसमें बीच में जो है कट वो है ये रिमर होल लेने का जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर ये ज्यादा रहता हम यहां से वेज लेते तब इसमें रिमर होल देना पड़ता, तो ये इतना ही इससे होल के ब्लास्ट होने से टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाएगा। तो ये रहा आप लोगों का वेज का ड्रिलिंग पैटर्न का डिजाइन। अगर इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके हमसे जरूर पूछिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। दोस्तों मैं 16 अगस्त को इंडिया से बाहर जा रहा हूं, मैं कनाडा जा रहा हूं। एक्चुअली कनाडा में अपने बेटे के पास जा रहा हूं, यानी अपने किसान के पास जा रहा हूं, और वहां कुछ एसेंशियल लेवलिंग करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मुझको वहां कुछ बुलाया है किस काम के लिए, हो सकता है टेलिंग से रिलेटेड ही कुछ काम है उसका। तो वहां से आने में मुझे करीब 4 महीना लग जाएगा, यानी दिस नवंबर के लास्ट में मैं फिर इंडिया में आऊंगा। इस बीच में मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को हम और वीडियो दें, वहां की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ अगर है इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों तक पहुंचाएं। अगर वहां संभव नहीं हो पाया तो मैं फिर इंडिया में आकर के वहां की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप लोगों को मैं वीडियो दूंगा। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूं, और तब तक के लिए हमें विदा दें, और मेरे लॉन्ग एब्सेंट रहने के लिए जो हमें आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, इसलिए आज मैं आप लोगों से विदाई लेता हूं। नमस्कार।